का बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया है, तो मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर ईरान ने पहले ही जंग का ऐलान कर दिया। तो यूएस ठिकानों पर अटैक के बाद ट्रंप गरजे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब खुली चेतावनी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमला ईरान की तरफ से अमेरिका पर किया गया है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के 52 टारगेट निशाने पर है, और हमले के बाद ईरान यूएस में अब तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 52 टारगेट निशाने पर जवाब खतरनाक होगा, और हमले के बाद यहां पर ईरान और यूएस में तनाव बढ़ गया है। ईरानी हैकर्स ने हैक की है अमेरिका की सरकारी वेबसाइट, तो हैकर्स ने ट्रंप को मुक्का मारते हुए एक तस्वीर भी लगाई है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं जो हैकर्स के जरिए लगाई गई है, मुक्का मारते हुए ट्रंप की, क्योंकि तनाव लगातार ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे में जो हमला फिलहाल ईरान की तरफ से अमेरिका पर किया गया है, उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर सख्त चेतावनी फिलहाल ईरान को दी है, जिसमें कहा है कि 52 ऐसे स्थान जो टारगेट पर है अमेरिका के, ऐसे में मुश्किलें हो सकती है, विध्वंसक यहां पर हो सकता है। तो चेतावनी यहां पर दूतावास, अमेरिकी दूतावास में जो कि रॉकेट से हमला किया गया है ईरान के जरिए, तो लगातार आपको बता दें कि जो स्थिति है अमेरिका और ईरान के बीच वो गंभीर बनी हुई है।